तो हिमाचल में कांग्रेस सरकार के एक साल पूरे होने पर धर्मशाला में भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी खुशी का माहौल है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस रैली में करीब 25,000 लोग पहुंच सकते हैं। सरकार का एक साल पूरा हो गया है और इसी उपलक्ष्य में जश्न मनाया जा रहा है। रोड शो की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और धर्मशाला की सड़कों पर स्कूली बच्चे और कार्यकर्ता देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, कुल्लू से लोग पहुंचे हैं गर्मजोशी के साथ, नृत्य करते हुए। कुल्लवी नृत्य यहां चल रहा है और डांस करते हुए ये कार्यकर्ता यहां पहुंच गए हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो कुल्लू के वाद्य यंत्र हैं, उन वाद्य यंत्रों के साथ लोग नृत्य करते हुए यहां पहुंचे हैं। ये जश्न का माहौल है और इस माहौल में कुल्लू से आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा उत्साह देखा गया है। सुंदर ठाकुर के ये लोग हैं, सुंदर ठाकुर की ये भीड़ धर्मशाला की सड़कों पर पहुंची है और इसी तरह लगातार अलग अलग झुंडों में लोग यहां पहुंच रहे हैं। टुकड़ियां अलग अलग हैं क्योंकि हर विधायक की ड्यूटी लगाई गई थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करे, क्योंकि सरकार का एक साल पूरा हो चुका है, यानी कि कार्यकाल पूरा हो चुका है और धर्मशाला के पुलिस मैदान में जो जश्न मनाया जाना है उसके लिए ये लोग पहुँच रहे हैं। अंदाज़ा है कि 20,000 से 25,000 लोग इस मैदान में भरे जाएंगे। धीरे धीरे भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और धर्मशाला की सड़कों पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है। लोग घरों से निकल रहे हैं और हालांकि मौसम इतना साफ नहीं है, उसके बावजूद यहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। धर्मशाला से कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।